हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा चैप्टर है वही उसी को बढ़ाते हुए पत्र लेखन पार्ट फोर्थ पर हम आ गए हैं, जिसमें हमें मैंने पहले मैं आपको क्लास में बताया था कि किस तरीके से हमें अपने प्रारूप को तैयार करना है, और प्रारूप के बाद में हमारे सामने यदि कोई भी विषय आ जाए तो हम उस विषय पर अपना प्रार्थना पत्र लिख सकते हैं, पत्र लिख सकते हैं। तो आज का मेरा जो पत्र मैंने आपको लिखा है या बताया है वह है बीमारी पर। आप बीमार हो गए हैं और या बुखार आ गया है आपको और आप दो दिन तक विद्यालय में उपस्थित नहीं हो पाते। इस तरीके से अगर आप विद्यालय में नहीं जा पा रहे तो अपने विद्यालय में प्रधानाचार्य को अवकाश के बारे में सूचित करने के लिए आप किस तरीके से प्रार्थना पत्र लिखेंगे उसके बारे में मैंने आपको बताया है। तो शुरुआत में हमें, जैसे मैंने आपको पूर्व में बताया था कि सबसे पहले हमने लिखा सेवा में, अब हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारा क्रम बिल्कुल एक होना चाहिए। कहने का मतलब है कि सेवा में मैंने यदि यहाँ लिखा है तो सेवा में के नीचे ही मेरा श्री आया है, श्रीमान, विद्यालय का नाम भी उसी की लाइन में, उसी के नीचे ही मेरा विषय महोदय, और सारा मैटर मैंने एक के नीचे एक लिखना है। आपको भी इसी तरीके से लिखना है। आपको ये नहीं करना कि सेवा में मैंने यहाँ लिखा है और श्रीमान आप यहाँ से स्टार्ट कर दें। ऐसे नहीं करना है कि सेवा में यहाँ, श्रीमान यहाँ, एकलव्य यहाँ, हरमाड़ा आप यहाँ लिख दें। क्रम को बिल्कुल नहीं बिगाड़ना है, नहीं तो हमारे जो मार्क्स है वो कट जाते हैं, हमें पूरे नंबर नहीं मिल पाते हैं। फिर आप कहते हैं कि मैम हमने लिखा बिल्कुल करेक्ट है, हमने पूरा विषय सही लिखा है, धन्यवाद सही लिखा है, पूरा सही लिखा है, लेकिन हमें पूरे मार्क्स क्यों नहीं मिले, हमारे नंबर पूरे क्यों नहीं आए। आपकी इन्हीं छोटी छोटी गलतियों की वजह से आपके मार्क्स कट जाते हैं। तो हमें क्रम का बिल्कुल ध्यान रखना है, क्रम को हमें हमारा बिगाड़ना नहीं है, दाएं बाएं नहीं जाना है, हमें आगे पीछे नहीं होना है। सबसे पहले आपने सेवा में लिख दिया श्रीमान, प्रधानाचार्य जी को लिख रहे हैं, प्रधानाचार्य जी, स्कूल का नाम एकलव्य इंटरनेशनल अकेडमी, आपको अपने विद्यालय का नाम लिखना है, हरमाड़ा में है, हरमाड़ा जयपुर। इतना तो आपका टॉपिक कोई भी विषय आ जाए आपका इतना तो समान ही रहेगा। ये स्थिति आपकी बदलेगी जब जब मैं यहाँ प्रश्न में दे दूँ कि आपको गुरुकुल स्कूल का विद्यालय मानते हुए, या कोई भी दे दूँ आदर्श विद्या मंदिर या आदर्श पब्लिक स्कूल का विद्यार्थी मानते हुए बीमारी पर पत्र लिखिए, तो आपको स्कूल का नाम, अगर मैं आपको प्रश्न में दूसरा देती हूँ, आदर्श देती हूँ या गुरुकुल देती हूँ या कोई भी स्कूल का नाम देती हूँ, सरस्वती देती हूँ, जो भी स्कूल का नाम देती हूँ, तो आपको यहाँ पर स्कूल का नाम बदलना है। अन्यथा आपकी स्कूल का नाम, आप जिस विद्यालय में पढ़ रहे हैं आपको वही लिखना है, उसे बदलना नहीं है। आपने अपने विद्यालय का नाम लिख दिया एकलव्य इंटरनेशनल अकेडमी, उसके बाद में इसका लोकेशन हरमाड़ा जयपुर में है। अब आता है आपका विषय क्या है, किस विषय पर आप प्रार्थना पत्र लिखने जा रहे हैं। आपने लिखा अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र, अवकाश आपको छुट्टी के लिए चाहिए। अब आप यहाँ पर यह भी लिख सकते हैं बीमारी हेतु प्रार्थना पत्र, अगर आप बीमारी पर लिख रहे हैं। मैंने जैसे बीमार पर लिखा है तो मैंने अवकाश लिख दिया। आप यहाँ पर यह भी लिख सकते हैं बीमारी हेतु प्रार्थना पत्र, ये आपने विषय लिख दिया अपना। इसके बाद में आपको संबोधित कर देना है महोदय या महोदया, जो भी है आपका, इस तरीके से आपको संबोधित कर देना है। आपने संबोधित कर दिया महोदय जी, क्योंकि हमने यहाँ पे प्रधानाचार्य लिखा है, यहाँ प्रधानाचार्य होता तो हम यहाँ पर भी महोदया करते। सविनय, आप प्रेम से उनसे निवेदन कर रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं, तो आप ये भी लिख सकते हो सविनय निवेदन है कि, ये आप लिख दे दो सविनय अनुरोध है कि मुझे कल रात से तेज बुखार है। आपने लिखा है किस लिए, बुखार पर प्रार्थना पत्र लिख रहे हो, तो आपने लिखा कि मुझे कल रात से तेज बुखार है। आपने किससे ली सलाह, डॉक्टर ने मुझे दो दिन आराम करने की सलाह दी है। अब आपने डॉक्टर से कंसल्ट किया, डॉक्टर ने आपको बोला कि आपको बुखार ज़्यादा तेज है, आपको दो दिन तक विद्यालय नहीं जाना है। आते हैं मैं दो दिन तक विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकूंगी। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यदि आप गर्ल हैं, लड़की हैं,
तो आप लिखेंगे मैं विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकूंगी, और अगर आप लड़का हैं तो लिखेंगे सकूंगा, मैं विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकूंगा। ठीक है, उपस्थित नहीं हो सकूंगा या सकूंगी। आपसे निवेदन है कि, या आपसे अनुरोध है कि मुझे दो दिन का, दो दिन कौन से, 4 नवंबर से 5 नवंबर। अब अगर जो महीना चल रहा है आप पत्र लिख रहे हैं, उस समय जो महीना चल रहा है आप उसी महीने का लिख रहेंगे। अभी नवंबर चल रहा है तो मैंने नवंबर लिखा। अगर हो सकता है आपके एग्ज़ाम के टाइम में महीना चल रहा हो दिसंबर का और आपके एग्ज़ाम की डेट है 10 है, तो आप 10 तारीख को बुखार आती है, 10 तारीख को पत्र नहीं लिखोगे, आप छुट्टी लोगे 11 से, तो 11 दिसंबर जो भी तारीख है आपकी, जिस महीने की, आपको वही तारीख डालनी है। ये नहीं कि आप यही तारीख मैडम ने लगाई है यही डाल दो, नहीं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। 4 नवंबर 2020 से 5 नवंबर तक का अवकाश प्रदान करें, यानी कि आपने दिन लिख दिए, दो दिन का अवकाश प्रदान करें, 4 और 5 दो दिन हो गए। मुझे दो दिन का अवकाश प्रदान करें, आपकी अति कृपा होगी। इस तरीके से आपको लिखना है। लास्ट में आपको लिखना है धन्यवाद, आपने उस चीज के लिए धन्यवाद दिया। आपकी आज्ञाकारी शिष्या, मैंने आपको बताया है कि यदि गर्ल है तो शिष्या, और यदि बॉय इस प्रार्थना पत्र को लिख रहा है तो वह लिखेगा आपका आज्ञाकारी शिष्य, आपका आज्ञाकारी शिष्य, और आपका जो भी नाम हो। यहाँ मैंने पत्र लिखा है इसलिए मैंने अपना नाम लिखा है। स्टूडेंट्स, इस बात का ध्यान रखना, बच्चे मुख्यतया क्या करते हैं, मैम ने लिखा है कक्षा में रीना तिवारी, वो नाम लिख देंगे रीना तिवारी। आपको अपना नाम लिखना है, आपका नाम लिखना है, मेरा नाम नहीं लिखना है आपको। तो यहाँ जो भी आपका नाम हो, आपका नाम राम है, श्याम है, मोहन है, सोहन है, राहुल है, जो भी है, बॉय है, तो वह लिख देंगे सीता, गीता, मीना, सोनिका, जो भी आपका नाम है, सोनाली, सोनम, राधा, जो भी नाम है वो आपको अपना नाम यहाँ पर लिख देना है। कक्षा आप अगर 5 अ यानी कि 5th A में पढ़ते हो तो अ, बी में पढ़ते हो तो ब, सी में पढ़ते हो तो स, 5th क्लास के स्टूडेंट तो 5th, यहाँ अगर आप 4th क्लास के स्टूडेंट तो 4th, और क्लास 3rd के स्टूडेंट हैं तो आप क्लास 3rd। इस तरीके से अपनी कक्षा को संबोधित करेंगे। तो इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है विद्यार्थी, कि हमारा अगर विषय दिया हुआ है तो हमें विषय वह लिख देना है। विद्यालय का नाम यदि हमें पेपर में दिया हुआ है कि आपके विद्यालय का नाम ये है और आपका नाम भी ये है, तो हमें विद्यालय का नाम यहाँ पर बदलना है, अन्यथा हमें हमारे जिस विद्यालय में हम पढ़ते हैं उसी विद्यालय का नाम यहाँ लिखा जाएगा। आपका नाम भी दिया हुआ है यदि प्रार्थना पत्र में तो आपको वो नाम लिखना है, नहीं तो आपको खुद को अपना नाम लिखना है जो आपका नाम हो। तो मैं यहाँ सिर्फ नाम हेडिंग डाल रही हूँ, आपको यहाँ पर अपना नाम लिख देना जो भी आपका नाम हो। ठीक है, डेट से संबोधित कर सकते हैं, दिन से भी संबोधित कर सकते हैं, मुझे 3 दिन का अवकाश प्रदान करें, मुझे 2 दिन का अवकाश प्रदान करें। ठीक है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन कब आएगा, यहाँ यदि आपके फॉर्मेट में दे दिया जाए कि विषय यहाँ पर अवकाश है तो नहीं, स्थानांतरण पत्र प्राप्त करने के लिए लिखिए, तो आप यहाँ पर अवकाश किसके लिए हटाकर आपका क्या हो जाएगा, विषय स्थानांतरण पत्र प्राप्त करने हेतु, ये चीज समान रहेगी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ पे परिवर्तन हो गया जो आपको दिया हुआ है कि स्थानांतरण पत्र प्राप्त करने के लिए आप अपने प्रधानाचार्य जी को ये पत्र लिखिए, तब आप उसको बदल सकते हैं, या फिर आपको कह दिया जाए कि शुल्क माफ़ी के लिए आप अपने प्रधानाचार्य जी को पत्र लिखिए, तो शुल्क माफ़ी के लिए आप यहाँ पर जो हेडिंग डालेंगे वो डाल देंगे शुल्क माफ़ी के लिए पत्र। ठीक है, उसके बाद में महोदय सेम है, यहाँ पर आपका मैटर हो जाएगा सविनय निवेदन है कि मेरे पिताजी जो भी आप पोस्ट पर है उनकी मासिक आय कम है, वो मेरी फीस भरने में असमर्थ है, अतः आपसे अनुरोध है कि आप मुझे मेरा इस साल का या इस वर्ष का शुल्क माफ करें, आपकी अति कृपा होगी। वापिस वही का वही मैटर सभी में समान रहेगा, धन्यवाद, आपकी आज्ञाकारी या आपका आज्ञाकारी शिष्य, जो आपका नाम हो, प्लस आपकी कक्षा और आपका सेक्शन हो। तो बदलता सिर्फ और सिर्फ आपका ये विषय विस्तार,
ये आपका बदल जाता है या फिर बदलता आपका विषय है। बाकी यहाँ से ये स्थिति प्लस ये वाला प्रारूप ये समान ही रहेगा यदि आप अपने प्रधानाचार्य जी को पत्र लिखते हैं तो आपके अगर आपको नहीं आता है तो यहाँ के प्लस यहाँ के मार्क्स तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर आपको ये लर्न नहीं है, आप किसी कारणवश से याद नहीं कर पाते या जो आपने याद किया है वह परीक्षा में नहीं आता और आपको लिखना नहीं आ रहा है, आप पूरा ही पत्र छोड़ के आ रहे हैं, तो ऐसी गलती ना करें, पूरे पत्र को ना छोड़ें। औपचारिक पत्र दिया हुआ है, औपचारिक पत्र का आपको प्रारूप बता रखा है, आपको इस तरीके से प्लस ये वाला लिख देना है। बीच की लाइन आप चाहे इतना तो लिख ही दे कि निवेदन है कि इतना छोड़ दें, अति कृपा होगी, आप लिख ही सकते हैं, बीच की दो लाइन आप छोड़ दें। तो कम से कम 5 में से आपको 2 नंबर, 2.5 नंबर, 3 नंबर, डिपेंड करता है आपके एग्जामिनर पर कि आपकी टीचर किस हिसाब से आपको मार्क्स देती है। तो इस तरह की मिस्टेक आपको बिल्कुल नहीं करनी है, आपका पेपर आपको बिल्कुल खाली पत्र के लिए खाली नहीं छोड़ना है, हमें जो प्रारूप बताया है उस प्रारूप को याद करना ही करना है। तो एक बार फिर देख लें, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, एकलव्य इंटरनेशनल एकेडमी, हरमाड़ा जयपुर, विषय है अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र या बीमारी हेतु प्रार्थना पत्र। महोदय जी, सविनय निवेदन है कि मुझे कल रात से तेज बुखार है, डॉक्टर ने मुझे 2 दिन आराम करने की क्या दी है, सलाह दी है, अतः मैं 2 दिन तक विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकूंगी, या आप ये भी लिख सकते हैं अतः मैं 2 दिन तक विद्यालय आने में असमर्थ हूँ, ये भी लाइन लिख सकते हैं आप, ये भी लाइन उचित है। आपसे निवेदन है कि मुझे 2 दिन का दिनांक आप लिख दें, अवकाश प्रदान करें, आपकी अति कृपा होगी, ये भी लिख सकते हैं, और आप लिख सकते हैं कि आपका बहुत ही बहुत धन्यवाद आपने लिख दिया, लास्ट में आपकी आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या, जो भी आपका नाम है, जो भी आपकी कक्षा है, क्लास 3rd है, 4th है, 5th है, और जो भी आपका सेक्शन है, बस लिख दीजिए। एग्जाम में आप लिख रहे हैं तो आप अपना इसके नीचे अनुक्रमांक यानी कि आप अपना रोल नंबर भी ऐड कर सकते हैं, उसमें कोई गलत नहीं है, आप अपना रोल नंबर भी लिख सकते हैं, लेकिन प्रारूप आपका यही रहेगा, विषय आपका यही रहेगा, सब्जेक्ट अगर इस तरीके का आता है तो आपको इसी तरीके से लिखना है। तो इसे अच्छे से नोट कर लीजिए, देख लीजिए, प्रारूप को याद कर लीजिए कि कहीं हम प्रारूप में कहीं गलती तो नहीं कर रहे। मैम ने बोला है कि इतना तो हमें याद ही करना है ताकि हमें फुल मार्क्स मिले, तो प्लीज़ इसे अच्छे से देखें, याद करें, और अगले टॉपिक में हम देखेंगे कि और किस तरीके से हमें प्रार्थना पत्र अगर आ जाए तो किस तरीके से यहाँ पर परिवर्तन करना है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।